आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सबटेक में। तो दोस्तों, आप लोग यहां देख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट यहां पे देख रहे हैं आप। तो आज हम इस वेबसाइट की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इस वेबसाइट पे क्या क्या ऑनलाइन सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या सर्विसेज दी गई हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप घर बैठे उसको उसकी सर्विसेज का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, घर बैठे उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख रहे हैं वेबसाइट का, डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं करीब 8 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ कस्टमर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि लॉगिन करने के बाद हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन आपके घर में है तो आपको बिल जो आपका बिल आता है, बिल में के नंबर होता है, जिसको कई बार हम अकाउंट नंबर भी बोलते हैं। तो ये जो के नंबर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये के नंबर आपकी पूरी बिल की डिटेल बताता है। ये के नंबर बताता है कि ये जो कनेक्शन है वो आपके नाम पे लगा हुआ है। तो के नंबर होना बहुत ज़रूरी है, उसके थ्रू आप जो है इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन से पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आता है पे योर बिल। तो दोस्तों, अगर आप अपना बिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पे थ्रू पेमेंट गेटवे, पे थ्रो BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सर्विस, और यहाँ पे आता है NEFT से। तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, और साथ ही साथ UPI का भी ऑप्शन है यहाँ पे आप पेमेंट। सबसे आसान जो तरीका है वो फर्स्ट वाला होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी है, इससे भी कर सकते हैं। और अगर आप इससे करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा टफ होता है। टफ ये होता है कि आपको VDJB ये टाइप करना है और उसके बाद आपका के नंबर, जो भी आपका के नंबर है वो साथ ही साथ लिख देना, तो ये अकाउंट नंबर हो जाएगा आपका। और उसको आपको IFSC कोड इसमें ये टाइप करना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, और आप इसमें पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो आता है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो फॉर्म खुलेगा मैक्सिमम में सेम फॉर्म होता है, बस थोड़ी सी चेंजेस होती है। अगर आप अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन करते हैं या फिर अप्लाई फॉर म्यूटेशन करते हैं तो दोनों का फॉर्म लगभग एक जैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे न्यू कलेक्शन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वाटर कनेक्शन बताना है, या सीवेज कनेक्शन है, या फिर वाटर एंड सीवेज कनेक्शन दोनों हैं, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन टाइप है परमानेंट कनेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करनी है, अपना नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम भरना है, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर तो उसका ID डालना है। अगर घर है तो वहाँ पर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होती है। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड में एम्प्लॉई हैं तो उसकी डिटेल भरनी है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की पूरी एड्रेस भरना है, प्रॉपर्टी का जो है वाटर कनेक्शन डिटेल यहाँ पे डालनी है, बैंक डिटेल भी डालनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग साथ ही साथ करवा रहे हैं तो उसकी भी डिटेल डालनी है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं आप। और फिर इस वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 5 MB के अंदर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या यहाँ पे देखिए, आपको इनमें से ऑप्शन जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ये सारे ऑप्शन ले सकते हैं, इनको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद ऑनर हैं या किराए पे लिया वो डालना है। तो इस तरह से ये डिटेल भर देनी है। यहाँ पे आप देखिए कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसको डाउनलोड करना है और इस पर सिग्नेचर करके वापस इसी जगह पे जो है यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर लीजिए, यहाँ पे आप साइन कर दीजिए नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके, फिर वापस इस फॉर्म को यहीं पर अपलोड करना होता है। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और फाइनली जो लास्ट में बचता है वो ये बचता है कि अगर आप की जो प्रॉपर्टी है जिस पे आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं वो अगर आपने रेंट पे लिया है तो यहाँ पे जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसकी तरफ से एक NOC चाहिए जो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। और अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक खुद हैं तो आपको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद ये जो फॉर्म का प्रोसेस है ये लगभग पूरा हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर उसी का अपलोड करना है जिसके नाम से कनेक्शन अप्लाई किया जा रहा है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पूरा फॉर्म आपने भरा है ये एक जगह पे आपको शो करेगा।
और वहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, तो आप वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और डायरेक्ट आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन न्यू कनेक्शन का फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी, आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, आप उस सबमिटेड फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास एज ए डॉक्यूमेंट रख लीजिए। तो क्या होगा कि कुछ दिनों में आपके पास कॉल आती है और वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली जल बोर्ड से एक एम्प्लॉई आएगा और वो वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद जो है वो नया कनेक्शन के लिए आपको अलाउ कर देगा, पास कर देगा। तो ये होता है नया कनेक्शन का प्रोसेस। अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अप्लाई फॉर म्यूटेशन है। ये क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ कि म्यूटेशन आखिर होता क्या है, उसके बारे में आप पहले पढ़ लीजिए। ये देखिए, तो अगर आपको लगता है कि आपको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है इसकी। म्यूटेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जैसे आप न्यू कनेक्शन के लिए मैंने बताया, सेम वही डिटेल आपको भरनी होती है, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको ज़्यादा कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको ऑनरशिप की डिटेल अपलोड करनी है, अगर आप ऑनर हैं तो, रेंट पर लिया है तो उसकी डिटेल अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे पहले की तरह ही यहाँ जो जिसके नाम पे कनेक्शन है तो उसका जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा, और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ अपलोड होगा, उसके बाद जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि म्यूटेशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं आप, तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, ऑनरशिप की डिटेल चाहिए और अपना एक जो है सिग्नेचर चाहिए। उसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जो मैंने पहले बताया कि आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट करके उस पर नाम सिग्नेचर करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है और फिर वापस उसको इसी जगह पे अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप म्यूटेशन का जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ग्रीवेंस का आता है। ग्रीवेंस यानी कि शिकायत। अगर आपको किसी भी डीजीबी में, दिल्ली जल बोर्ड में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई शिकायत करनी है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ग्रीवेंस का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको इसमें जाना है, अपना के नंबर डालना है, के नंबर डालेंगे जैसे ही तो आपका नाम और एड्रेस आपको शो करेगा, और उसके बाद आपको जो आपकी शिकायत है वो किस प्रकार की है, टाइप ऑफ ग्रीवेंस जो है वो सिलेक्ट करना है, अकाउंट रिलेटेड है, मीटर रिलेटेड है, बिल रिलेटेड है, पेमेंट रिलेटेड है या कोई और है, अदर में है, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से जो भी फॉर्म आपको डिटेल मांगेगा वो डिटेल आपको यहाँ डाल देनी है। डालने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना, तो ये एक तरह से ऑनलाइन शिकायत आपकी दर्ज कर ली जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो रेन हार्वेस्टिंग का आता है। तो अगर आप रेन हार्वेस्टिंग के लिए कुछ अपने यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद जो है आप रेन हार्वेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको स्पेस देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है नो योर के नंबर। अगर आपको अपना के नंबर नहीं मालूम है तो आप ऑनलाइन यहाँ पर पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ जाना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जो दिल्ली जल बोर्ड में रजिस्टर्ड है, यानी कि जिस पर आपके बिल अक्सर जो है मोबाइल पर बिल आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अप्लाई फॉर बोरवेल। अगर आप बोरवेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डिटेल डालनी है, अपना नाम, फ़ोन नंबर और रिक्वेस्ट फॉर्म को अपलोड करना है। ये रिक्वेस्ट फॉर्म यहीं पे आपको मिल जाएगा, 4 पेज का रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। इस रिक्वेस्ट फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद पूरे फॉर्म को भरना है। भरने के बाद वापस इसी जगह पर आकर के अपलोड का ऑप्शन मिलेगा और आपको ये फॉर्म जो है यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको अपना जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो डालना है, वो डाल करके आपका जो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको पेमेंट कर देनी है। तो बोरवेल को अप्लाई करने का प्रोसेस जो है बस इतना ही सही होता है कि आपको ये फॉर्म की डिटेल भरनी है, हैंड राइटिंग में भरनी है और वापस अपलोड करना है और फिर जो है अप्लाई कर देना है। तो अभी हमने यहाँ पे बात की कि जो आपको विदाउट लॉगिन में ये ऑप्शन जो आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और क्या क्या आप ऑनलाइन जो है सर्विसेज ले सकते हैं। इसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि जब हम कस्टमर लॉगिन करते हैं तो हमें पोर्टल पर क्या क्या सुविधाएँ, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कंज्यूमर लॉगिन लिखा हुआ है, कंज्यूमर लॉगिन पे जाना है और आपको यहाँ पे के नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा।
तो होता क्या है दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जाने के बाद आपको ये डिटेल भर देनी है। जैसे ही आप ये डिटेल भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और आपको एक पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद क्या होगा कि आप कंज्यूमर लॉगिन कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मैंने पहले ही किया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल किस तरह से दिखता है और क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो देखिए, जब हम लॉगिन करते हैं तो सबसे खास, सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि आपको पिछले 2-2.5 साल का जो भी पेमेंट है, जो आपका बिल और बिलिंग की जो पेमेंट है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2020 से लेकर के 2022 तक का जो भी पेमेंट हुई है दिल्ली जल बोर्ड में, वो सारी यहाँ पे बिलिंग जो है, बिल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। बिलिंग के बाद आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। वहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इस 4 ऑप्शन में पे ऑनलाइन, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 3 तरह से जो है पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद अगला जो आता है वो सर्विसेज का होता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज मिलती हैं। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, जो कि मैंने पहले बताया था, अप्लाई फॉर म्यूटेशन, जो कि हमने बाहर ये ऑप्शन देखे हैं, अप्लाई फॉर डिसकनेक्शन, अप्लाई फॉर मीटर रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये विदाउट लॉगिन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है अप्लाई फॉर DGB टैंकर। तो अगर आपको टैंकर के लिए अप्लाई करना है तो टैंकर के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे आपको नाम डालना है, एड्रेस डालना है, टैंकर जहाँ पहुँचेगा उसका एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपनी अपने जो एरिया है यानी कि अपना जो कंस्टिट्यूएंसी एरिया है, असेंबली एरिया, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट एंड टाइम टैंकर डिलीवरी, यहाँ पे आपको डालना है कि किस डेट में जो है टाइम टैंकर चाहिए, कितने बजे चाहिए। पर्पस में दोस्तों, जैसे फंक्शन है, शादी है, तो शादी में क्या होता है कि जो कार्ड होता है, मैरिज है, तो उस कार्ड को आपको यहाँ पे, शादी के कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो उसके बाद करीब 1000 रुपये के आसपास इसकी पेमेंट होती है, वो पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है टैंकर के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन टैंकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज में यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है अप्लाई फॉर बोरवेल, जो कि मैंने पहले आपको बताया। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे व्यू बैलेंस एंड लास्ट रिसीव, तो लास्ट जो भी पेमेंट है उसकी रिसीव अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि मेरी पेमेंट क्या बकाया है, तो यहाँ पे आप जा करके ये डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी, अपना के नंबर कैप्चा डालना है आपको यहाँ पे, और यहाँ व्यू कर देना है। तो जैसे व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, लास्ट जो रिसीप है वो आ जाएगी, बिल आ जाएगा। अगर पेमेंट है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बिल, करंट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है, तो अभी कोई पेमेंट इसकी है नहीं। अगर पेमेंट होगी तो वो यहाँ शो कर जाएगा। यहाँ पे रिसीप देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिसीप है, यानी कि जो भी लास्ट पेमेंट हुई है उसकी रिसीप यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी रिसीप आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन में नो योर केन नंबर, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपका केन नंबर यहाँ शो कर जाएगा। उसके बाद बिल पे ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, अपने प्ले स्टोर में जाकर के आप DJBM सेवा करके टाइप करेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा जो कि दिल्ली जल बोर्ड का ऐप होगा। और ये ऐप जो है, ये सारी सुविधा जो आप यहाँ कंप्यूटर पर देख रहे हैं, लॉगिन की, विदाउट लॉगिन की सारी सुविधा इसके अंदर आपको मिल जाती है। और इसके अंदर एक खास चीज़ और होती है कि अगर आप चाहते हैं सेल्फ बिल जनरेशन, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर आप उसको अलाउ कर देते हैं तो क्या होता है कि आप अपने मीटर की जो रीडिंग है उसका फ़ोटो खींच के जब भी चाहें अपना बिल जो है खुद सेल्फ से जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो हमेशा आपको ही करना पड़ेगा, आपके यहाँ जो है वो दिल्ली जल बोर्ड से कोई एम्प्लॉई नहीं आएगा बिल जनरेट करने के लिए या मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए। तो अगर आप इसको करते हैं तो आप ये सेवा भी उठा सकते हैं कि आप अपना जो मीटर का बिल है वो खुद जनरेट कर सकते हैं, 2 महीने 2 महीने में 4 महीने में जब भी जनरेट करना चाहे। तो अगर आप इसके बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इस ऐप को मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें इसके साथ साथ और बहुत सारी सुविधा मिलती है।
उसके अलावा दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आपने ग्रेवेंस का फॉर्म भरा है या न्यू कनेक्शन का फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर को टैग कर सकते हैं, ARN नंबर से टैग कर सकते हैं या फिर फाइल नंबर से जो है ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है अभी। अगर आप अपना बिल लेटेस्ट बिल देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अब अपना के नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और व्यू कर दीजिए तो आपका जो लेटेस्ट बिल जो है वो शो कर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा कि दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलती हैं, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिलता है जो कि 1916 है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कॉल करके बात करके अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं।